Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will share you UKG syllables year 2023-24. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए यूकेजी का सिलेबल्स, जो सभी बोर्ड्स के लिए ये सिलेबल्स यूजफुल रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं यूकेजी सिलेबल्स 2023-24। इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश में क्या क्या आता है बच्चे को? फर्स्ट जो है लेटर ए टू जेड। बच्चे को क्या करना है, जब नर्सरी में होता है और एलकेजी में होता है तब बच्चा ऑलरेडी ए टू जेड तक के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सीख जाता है। उसके बाद जब यूकेजी में आता है तब बच्चे को लेटर्स में क्या क्या कराते हैं, तो हम फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। बच्चे को फर्स्ट तो उसको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ता है। सेकेंड जो आता है साउंड ऑफ लेटर। साउंड ऑफ लेटर्स का मीनिंग क्या होता है, सभी अल्फाबेट्स का अलग से कोई साउंड होता है। लाइक एफ फॉर एप्पल अ, बी फॉर बॉल ब, सी फॉर कैट क। तो इस तरह से बच्चे को जब यूकेजी में आता है तब उसको सभी अल्फाबेट्स का जो साउंड होता है वो भी सिखाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर्स में क्या आता है, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर्स। बच्चे को सभी अल्फाबेट सिखाने के बाद इस तरह से ये जो मैंगो है तो मैंगो को बच्चे को किसके साथ मैच करना है, एम के साथ। इसमें कैपिटल भी आ सकता है और स्मॉल भी सिखाया जाता है। उसके बाद एफ फॉर एप्पल, तो बच्चे को सिंपल ए के साथ क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद बी फॉर बॉल, तो बी से क्या करना है, मैच करना है। इस तरह से ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर्स भी सिखाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें वॉवल्स एंड कंसनेंट। बच्चे को वॉवल्स और कंसनेंट का जो डिफरेंट होता है वो भी सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चे को कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं सर्कल द वॉवल्स। इसमें क्या करना है, बच्चे को सिंपल जो भी वॉवल्स है उस पर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ए जो है क्या है, वो वॉवल्स। एम वॉवल्स नहीं है तो ई भी क्या है, वॉवल्स है। पी वॉवल्स नहीं है, क्यू नहीं है, आई क्या है, वॉवल्स। बस इस तरह से वॉवल्स की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद जो कंसनेंट है उसमें भी क्या बनाना पड़ता है, सर्कल। मतलब जो वॉवल्स नहीं है वो क्या होते हैं, कंसनेंट। बच्चे को वो भी क्लियर करवाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो वॉवल्स वर्ड्स। बच्चे को वॉवल्स वर्ड्स किस तरह से, इस तरह से देखिए यहाँ पे कैब, मैप, रैम, कॉब और मॉप। इस तरह से जो वॉवल्स के जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो भी बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद हम देखें तो आर्टिकल्स ए एन वो भी सिखाया जाता है। उसके बाद दिस दैट दिस दोज वन मैनी। उसके बाद पोजिशन भी सिखाई जाती है। पोजिशन में हम देखें तो क्या आता है बच्चे को, इस तरह से देखिए यहाँ पे इन, अंडर, ऑन, बिटवीन, अबोव, इस तरह की जो पोजिशन है वो भी बच्चे को सिखाई जाती है। उसके बाद हम देखें तो राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में कौन से आते हैं, देखिए इस तरह से टॉप, पॉप, कैट, रैट, काउ, हाउ। इस तरह से बच्चे को सभी ए टू जेड तक के लेटर में इतने टॉपिक्स जो होते हैं वो यूकेजी क्लास के बच्चों को कवर करवाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो यूकेजी मैथ्स सिलेबस। उसकी बात करें तो मैथ्स में क्या क्या आता है बच्चे को, फर्स्ट है प्री मैथ्स कंसेप्ट। प्री मैथ्स कंसेप्ट देखिए नर्सरी में भी सिखाए जाते हैं, एलकेजी क्लास के बच्चों को भी सिखाया जाता है, एंड देन आफ्टर बच्चा यूकेजी में आता है तब भी सिखाया जाता है। बट उसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। लाइक किस तरह से सेम और डिफरेंट का भी कंसेप्ट सिखाया जाता है, बिग स्मॉल, टेल शॉर्ट, मोर और लेस, हैवी लाइट, फुल एम्प्टी, इन आउट, थिक थिन, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, टॉप एंड बॉटम सिखाया जाता है। और कुछ जो प्री मैथ्स कंसेप्ट एलकेजी में सिखाया जाता है, उसके बाद लास्ट में इतने जो पॉइंट्स है प्री मैथ्स का वो यूकेजी में पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मैथ्स का देखें तो उसकी बात करें तो बच्चों को नंबर्स 1 to 100 तक के सिखाए जाते हैं। उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, राइटिंग। बच्चे को 1 to 100 नंबर्स लिखने सिखाते हैं। उसके बाद काउंट एंड राइट। इस तरह से बच्चे को सभी ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, उसके सामने जो नंबर्स है वो क्या करना है, लिखना है। किस तरह से देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो बच्चे को सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, 4 लिखना है। ये जो है वो 2 सर्कल है, तो बच्चे को क्या लिखना है यहाँ पे सिंपल इस तरह से लिखे। तो कलर एंड मैच,
बच्चे को क्या करना है, कलर करना है और उसके बाद जो करेक्ट नंबर है उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। देखिए यहाँ पे जो एप्पल्स ड्रॉ किए हैं उसके बाद उसका जो करेक्ट नंबर है उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। एप्पल में कलर करने हैं उसके बाद उसको काउंट करना है इस तरह से 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद हम देख बैट का ड्रॉ किया हुआ है उसमें कलर करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को काउंट करके इस तरह से क्या करना होता है, मैच करना होता है। उसके देखे तो बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर्स भी सिखाए जाते हैं, वो भी कितने सिखाए जाते हैं, 1 to 100 नंबर्स के। उसके बाद फॉरवर्ड नंबर सिखाए जाते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखाया जाता है। ये जो फॉरवर्ड नंबर और बैकवर्ड काउंटिंग होता है 1 to 15 नंबर्स का। उसके बाद बच्चे को नंबर नेम भी सिखाया जाता है, वो भी कितना होता है, 1 to 15 का। उसके बाद हम देखें तो स्किप काउंटिंग 2 and 5। स्किप काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इस तरह से देखिए बच्चे को क्या करना है, स्किप काउंटिंग कौन से दो नंबर्स के होते हैं, 2 और 5 के। इस तरह से यहाँ पे 2, उसके बाद स्किप कौन कितने करने हैं, 2 करने हैं, 2 4। इस तरह से बच्चे को स्किप काउंट सिखाया जाता है। उसके बाद हम 5 की देखें तो 5 10 15, इस तरह से बच्चे को स्किप काउंटिंग भी सिखाया जाता है। उसके बाद पिक्चर एडिशन, एडिशन भी सिखाया जाता है, पिक्चर्स को काउंट करके एडिशन करना होता है, 1 digit एडिशन। उसके बाद पिक्चर सब्ट्रैक्शन भी सिखाया जाता है, 1 digit भी सिखाया जाता है। उसके बाद टाइम सिखाया जाता है, मनी, पुट साइन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू, वो भी बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है विदाउट ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स भी बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद मैथ्स में हम नेक्स्ट में देखें तो शेप्स भी सिखाए जाते हैं, उसमें क्या क्या आता है, सर्कल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, ओवल एंड डायमंड शेप, जो ऑलरेडी LKG क्लास में सिखाए जाते हैं सभी शेप्स। उसके बाद हम कलर्स की बात करें तो रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, पर्पल, वाइट एंड ब्लैक, वो सब बच्चे को कलर सिखाए जाते हैं। उसके साथ जो शेड्स होते हैं लाइट एंड डार्क, वो भी बच्चे को UKG में सिखाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस देखें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या सिखाया जाता है बच्चे को, फर्स्ट जो होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ में कितने टॉपिक्स कवर करवाते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी, सेंस ऑर्गन्स, माई होम, माई फैमिली, माई स्कूल, ये टॉपिक्स जो होते हैं वो माई सेल्फ में कवर करवाते हैं। उसके बाद सीजन, सीजन की हम बात करें तो कितनी सीजन सिखाई जाती है, फर्स्ट है समर, रेनी और विंटर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में कितने वे सिखाया जाता है, फर्स्ट जो है लैंड वे, वाटर वे एंड एयर वे, इतने ट्रांसपोर्ट बच्चे को सिखाया जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो LKG क्लास को भी सिखाया जाता है, एंड देन आफ्टर UKG में भी सिखाया जाता है। उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कितने टॉपिक्स कवर करवाते हैं, फर्स्ट जो है वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, पैट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, एनिमल्स एंड देयर साउंड, वो भी बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, इतने टॉपिक्स जो होते हैं वो बच्चे को जनरल अवेयरनेस में सिखाई जाती है। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।